हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 श्लोक संख्या 41। तस्मात् त्वं इन्द्रियाणि आदो नियमय भरत ऋषभ पापम आनम प्रजाहि हे एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। हरे कृष्णा। तो भगवान इस 41वें श्लोक में आकर इस काम की तुलना ज्ञान विज्ञान नाशनम कि ये जो काम है आत्म साक्षात्कार का सबसे बड़ा शत्रु है, और इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि सबसे पहले तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदो नियमय, नियमों के द्वारा। जैसे अगर आप कभी कोई व्यक्ति रोगी हो जाता है, रोग के उपचार में उस व्यक्ति को डॉक्टर कुछ औषधि मेडिसिन देता है, साथ ही साथ उसको कुछ परहेज कुछ ना करने वाली बातें भी बताता है, तो उसी प्रकार से इस आत्म साक्षात्कार के पथ पर कुछ चीजें हमें प्रत्येक दिन करनी हैं और कुछ चीजों का परहेज भी करना है। ये है नियमय, इसे कहा गया है नियमों का पालन करना। तो नियमों के पालन के द्वारा काम को संयमित किया जाना चाहिए, और इस तरह से ये जो ज्ञान और विज्ञान का शत्रु, आत्म साक्षात्कार का शत्रु है, इसको सबसे पहले आरंभ में ही इसकी रोकथाम कर देनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम में अजामिल की कथा में अजामिल अपने पिता के कहे अनुसार वन में लकड़ियां एकत्रित करने गए थे। तो यज्ञ अनुष्ठान के लिए लकड़ियां एकत्रित करने गया अजामिल, और वो एक सुशील ब्राह्मण थे, ब्राह्मण संस्कृति का पालन करते थे, लेकिन रास्ते में आते वक्त वन में एक वैश्या को एक व्यक्ति के साथ संग करते हुए देखा। अब जब ये काम ने इंद्रियों से मन में प्रवेश किया तो अब धीरे धीरे अजामिल अपने वर्ण आश्रम के नियमों के अनुसार जो उसके लिए योग्य था नियमों का पालन करना, वो धीरे धीरे भूल गया और अंततः वैश्या से विवाह कर अपनी विवाहित पत्नी को घर से बाहर निकाल, अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल, धर्म के विरुद्ध जाकर पाप कार्यों में लगकर उस वैश्या का और उसकी संतानों का पालन करने में जुट गया। तो कैसे जब काम का दमन प्रारंभ में नहीं किया जाए तो विज्ञान विज्ञान नाशनम। अब वो अजामिल अपने ब्राह्मणत्व को भूल गया, अपने ब्राह्मण संस्कृति को भूल गया, जीवन के लक्ष्य को भूल गया, और सिर्फ मात्र उस वैश्या और उसके परिवार के भरण पोषण के लिए जीवन जीने लगा, कुछ इंद्रिय तृप्ति प्राप्त करने के लिए। तो अगर इस काम को जिस समय ये काम उफान लेता है, जिस समय ये काम अपना सर उठाना शुरू करता है, अगर उसी समय इसे कुचला ना जाए तो ये काम बड़ा भयावह बन जाता है। इसलिए जैसे ही भौतिक इंद्रिय भोग के विचार मन में आए वैसे ही कृष्ण का आश्रय तुरंत लेना चाहिए, भगवान के पवित्र नामों का जप उसी क्षण शुरू करना चाहिए, इस मन को भ्रमित करना चाहिए, अन्य विषयों पर लेकर जाना चाहिए। इसीलिए हम प्राय इस मन के गुलाम होकर इस मन की मांगों को पूरा करने के लिए
अपने जीवन में वो सब कर रहे होते हैं जिसका मन जन्म जन्मांतरों से आदि है। तो इसलिए भगवान का ये जो निर्देश है, तस्मा त्वम इंद्रिया आदो नियमा भरत ऋषभ, ओ भरत ऋषभ, अर्जुन का नाम या भरत ऋषभ के रूप में लिया गया, कि ये काम का जो चिन्ह है ये ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाला है, इसका तुरंत तुम दमन कर दो। Thank you.